कराऊंगी। और उधर केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले पशुपति पारस ने एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। लिखा है, हमारी पार्टी आरएलजेपी एनडीए का अभिन्न अंग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। बिहार में चुनाव के नजदीक आने के साथ ही चीजें पटरी पर लौट रही हैं। विपक्ष ने सीट बंटवारा कर लिया है तो एनडीए में नाराजगी का दौर भी खत्म हो गया है। शनिवार को पशुपति पारस ने इंडिया गठबंधन में जाने की अटकलों पर विराम लगा दिया। पीएम मोदी के साथ की एक तस्वीर पोस्ट कर पशुपति पारस ने लिखा कि आरएलजेपी एनडीए का अभिन्न अंग है, प्रधानमंत्री मोदी जी हमारे नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। इस बीच बिहार में एलजेपी रामविलास ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। वैशाली सीट से वीणा देवी प्रत्याशी बनाई गई हैं। जमुई से अरुण भारती, खगड़िया से राजेश वर्मा, समस्तीपुर से शांभवी चौधरी और हाजीपुर से चिराग पासवान पार्टी के प्रत्याशी होंगे। गठबंधन में जब कोई रहे तो ईमानदारी से सबको रहना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ सीट की वजह से, सिद्धांतों के आधार पर, विचारों के आधार पर आप गठबंधन में आप जुड़ते हैं। मुझे नहीं लगता कि वो सीटों की मोहताज होनी चाहिए। ऐसे में जो ये फैसला चाचा जी के द्वारा लिया गया है, अच्छा फैसला है। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।